जमीन कैसे हिल रहा है ऐसे। अरे क्या बात है, ये मतलब गजब ही टाइप का हिल रहा है। देखो जैसे ऐसे जंप कर रहे तो लगता है नीचे से चादर फट जाएगा ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ फील ही नहीं हो रहा है। नीचे सारे लोग झूम रहे, उधर देख सकते हो पैर के नीचे। आते ये घोड़ा है कि गधा, पहले वो बताओ। पहले घोड़ा है सर। पक्का? पक्का देसी घोड़ा है। अच्छा, आपका YouTube बहुत देखते हैं। अभी आके ब्लॉग में थैंक यू। ओके, तो इस वक्त हूँ मैं मेन पार्ट में उल्टा पानी पे। तो जैसा देख सकते हैं उधर से ढलान है और इधर से चढ़ान है। तो भाई पानी कैसे चढ़ रहा है, ढलान से ऐसे अप हो करके जा रहा है और ऐसे है ना, काफ़ी अमेजिंग। अभी नज़दीक से दिखाते हैं आपको। एक काफ़ी हंटिंग जगह है और मुझे काफ़ी डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा स्मेल कर रहा है। मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ? ये सब देख रहे गाइस। ओ भाई, अभी आवाज अंदर सुनाई देता होगा। अभी पूरा अंदर आवाज सुनाई दे रहा है, पता नहीं किस चीज का है। I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Hey guys, what's up everybody? This is your Monty Vlog. कैसे हो आप सब? तो आज एक नया mind blowing vlog मैं shoot करने जा रहा हूँ। आपको पता है इस वक्त हूँ मैं कहाँ? कहाँ हूँ पता है? अंबिकापुर का राजमहल। यहाँ का मैंने बहुत पहले वीडियो बनाया था, डॉक्यूमेंट्री बनाया था, काफ़ी वायरल गया था और अंबिकापुर वाले ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था, एंड थैंक यू सो मच। एंड आज मैं जा रहा हूँ मेन पार्ट घूमने और सोचा कि मैं आप लोगों को घुमा दूँ। और ये भी सोचा कि मैं इंट्रो आज मैं राजमहल से शुरू करूँ, जबकि ये देख सकते काफ़ी बड़ा है भाई। पता नहीं, आज तक मैंने इसके अंदर गया नहीं हूँ, लेकिन जब भी जाऊँगा वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। लेकिन आज हमारा अंबिकापुर का लास्ट दिन है और कल मुझे जाना है अपने घर, तो मैंने सोचा क्यों ना इस राजमहल पर थोड़ा सा दिखा दिया जाए। काफ़ी कमाल का, ये काफ़ी पुराना है। जब मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाया था तो उसको कुछ बता दिया था, लेकिन फिर हालांकि चलते हैं। हम लोग का बहुत लेट हो चुका है, तो जितना जल्दी हो सके प्लीज धीरज। ओके, तो फाइनली मैं अभी निकल गया हूँ राजमहल से और रास्ते में भाई जो वहाँ मैंने देखा ना अभी, मतलब अंदर से आवाज़ आ रहा था, ताला लॉक था और अंदर में पता नहीं क्या, कौन सा पक्षी है कि क्या है, पूरा ची 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 करके आवाज़ आ रहा था। लेकिन थैंक गॉड मैं वहाँ से निकल गया। अब मैं निकल चला हूँ मेन पार्ट की तरफ। पहले गया था इससे पहले, लेकिन वो दलदली वाला जो ज़मीन है ना, जहाँ पे लोग उछलते हैं और वहाँ पे मतलब पैर अंदर धंसता भी नहीं है, तो उस जगह पे मुझे जाना है। बहुत से लोग सजेस्ट किए कि भाई टाइगर पॉइंट जाइएगा, तो वहाँ मुझे जाना है। मज़े की बात है, जब भी मैं डाल्टनगंज से पेट्रोल लिया था अभी तक ख़त्म हुआ नहीं है, तो अभी मुझे पेट्रोल लेना होगा। नहीं भूलूंगा तो भी चलेगा, लेकिन फिलहाल लेट हो गए हैं बहुत ज़्यादा, 12 बज गया है, तो देखते हैं कितना देरी में पहुंचते हैं हम लोग। पेट्रोल यहाँ पे ले लेता हूँ। ऑन है अभी, आके ब्लॉग में दिख जाइएगा। अभी मॉन्टी ब्लॉग सर्च करिएगा, 500 का फटाक से डाल दीजिए। तो ये नॉर्मल वाला था, ये प्रीमियम था? नॉर्मल 102 रुपये। ओके, तो अब हम लोग सीधा रोड आ करके यहाँ से मुझे राइट लेना, और देखिए डस्ट कितना है रास्ते में, तो बड़ा सोच समझ के मुझे चलाना पड़ेगा क्योंकि मैं काला ना हो जाऊँ।
थैंक गॉड कैसे तो मैंने हेलमेट लगा लिया, मैंने सोचा था हेलमेट लेके नहीं जाऊंगा, लेकिन मोटो ब्लॉगिंग भी कर रहा था इसके वजह से। तो अभी फटाक से पहुंचते हैं उस जगह पे, देखते हैं कौन कौन सा जगह कैसा लोकेशन है। ओके तो अभी हम लोग रुके थे, ये कौन सा जगह है भैया? ये करजी। ओके तो मुझे डाउट लग रहा था थोड़ा, मेरे बाइक में हवा वगैरह कम है क्या, इसकी वजह से मैं सोचा कि थोड़ा चेक करवा लूँ। हवा कम है क्या? अच्छा कम था। तो ये रूट जाएगा मेन पार्ट यहाँ से, और कितना दूर होगा? कितना दूर? मेन पार्ट 40 किलोमीटर होगा। 40 किलोमीटर? अरे भाई साहब। ओके हवा भी मैं ले लिया, मुझे डाउट ऐसा हो रहा था कि मेरे बाइक में हवा कम है, वो भी डाल्टनगंज से, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं लूँ ब्लॉग बनाऊँ। ये व्यू देखिए, वाओ गजब, एक नंबर। माउंट देखो यार, माउंट कतई जहर। ओके तो इस वक्त हूँ मैं मेन पार्ट में उल्टा पानी पे, तो जैसा देख सकते हैं उधर से ढलान है और इधर से चढ़ान है। तो भाई पानी कैसे चढ़ रहा है, ढलान से ऐसे अप हो करके जा रहा है और ऐसे है ना, काफ़ी अमेजिंग। अभी नज़दीक से दिखाते हैं आपको कि बहाव कैसा जा रहा है। धीरज अगर पेपर ऊपर लाता तो मैं नाव बना करके भी दिखाता कि कैसे पानी चढ़ रहा है, लेकिन आप ढलान देख सकते हो कि कैसा है ऐसे। और वहाँ पर गाड़ी है ना, जो गाड़ी लगा हुआ है, अगर वो न्यूट्रल पर भी होता है ना तो गाड़ी ऑटोमेटिक ऊपर चढ़ने लगता है। तो काफ़ी है अमेजिंग फैक्ट इस जगह पर, और बाकी चलेंगे फिर दूसरा जगह दिखाएंगे। तो फिलहाल मैं धीरज को लाया था दिखाने, तो दिखा दिया हूँ। तो ये जैसा देख सकते हैं, और पानी का बहाव यहाँ अभी आपको पता चल रहा होगा ऊपर की तरफ आ रहा है, और ये जा रहा है ऐसे, आप जो कि इधर चढ़ान है ना, अमेजिंग फैक्ट। लास्ट बार हमने आया था तो ड्रोन शॉट से शॉट लिया था, मतलब यहाँ से पूरा मेन पार्ट को, मतलब उल्टा पानी को, इस माउंट को मैंने कवर किया था, और आज फाइनली गोप्रो से शूट कर रहे हैं। तो जैसा देख सकते हैं है ना अमेजिंग। ओहो चले, और भीड़ यहाँ देखो भाई कितने लोग, आज संडे भी ऐसे तो सबका छुट्टी है, तो सोचे मेन पार्ट सबके घूम रहे हैं और मैं घूम आ रहा हूँ। ये जैसा देख सकते हैं अभी मैं पहाड़ के ऊपर तक आ गया हूँ, ताकि नीचे से आपको दिख जाए कि पानी ऊपर ऐसे जा रहा है। तो ये है काफ़ी, लेकिन यहाँ से ऐसे ढल के फिर ऐसे ही नीचे ही जाता है, तो है मज़ा आ गया। अंतिम छार, ये क्या है अंतिम छार? RD 185 में यहाँ पे लिखा हुआ है अंतिम छार। फिलहाल यहाँ से हम लोग निकलते हैं अभी, क्या बोलते हैं छोर, अच्छा छोर। तो ये पानी देख सकते हैं नीचे ढल जा रहा है। ओके गाइस, तो ये अभी आपको वाइड एंगल काफ़ी ज़्यादा वाइड दिखता होगा, पूरा रास्ता कवर होता होगा दूर दूर तक। तो अभी हम और धीरज उल्टा पानी से हम लोग निकल करके आ गए, जा रहे मेन पार्ट, यहाँ से 5 किलोमीटर है। अब वहाँ का वाइब और व्यू देखते हैं कि कैसा है, कवर करने लायक है कि नहीं। भैया दलदली इधर ही है, दलदली। तो भाई हम लोग पहुंच गए हैं, जैसा देख सकते हैं नीचे का व्यू देखो आप, कितने लोग आए हुए हैं यहाँ पर ये दलदली का और जलजली का मज़ा लेने। तो हम लोग भी पहुंच गए हैं ठीक ठाक, और यहाँ पे गाड़ी है कुछ राइड वाला, यार देखो कमाल का, वाओ। और यहाँ पे गधे की सवारी होगी। अरे दलदली किधर है? इधर बढ़िया। कैसे आपको बस देखे हो? हाँ उसके बाद पार हो गए तो नहीं? अच्छा कोई बात नहीं, जानते है लगता है मैं अच्छे तरीके से। आपका YouTube बहुत देखते हैं, अभी आगे ब्लॉग में। थैंक यू।
ओके फाइनली अभी हम लोग पहुंच गए यहाँ पे। इस जगह का क्या नाम है? जलजली जो यहाँ पे धरती नीचे पंज होता है, पंज होता है। और ये भाई साहब कराते हैं, ये घोड़ा है कि गधा? पहले वो बताओ। पहले घोड़ा है सर। पक्का देसी घोड़ा है। अच्छा देसी घोड़ा है तो इतना छोटा नहीं? हाँ, जैसे का बड़ा हाइट का घोड़ा नहीं है ना। तो छोटा हाइट का है। क्या लेते हो, क्या चार्ज है इसका? इसका यहाँ यही घूमते हैं तो 50 रुपए लेते हैं। 50 रुपए बस यहीं पे गोल गोल घुमाते हो? लंबा भी ले जाते हैं। अच्छा लंबा कहाँ तक लेके जाते हो? वो आगे जाता। अच्छा तो फिलहाल अभी हम लोग आते हैं वहाँ से जलजली, देखते हैं कि वहाँ पे क्या है। और बाकी यहाँ देख सकते हैं छोटा मोटा, मतलब एक समझो कि रेस्टोरेंट है कि आप बैठ करके लंच डिनर सारा कर सकते हैं। और उधर एक आंटी मोमोज बेच रही हैं जो कि मैं वहाँ पे जाके खाऊंगा। कह रहे थे जब इन कर रहे थे हम लोग तो तिब्बती कैंप ना, तिब्बती एरिया, तो एरिया में यहाँ पे बहुत सारे तिब्बती लोग भी हैं जो कि मोमोज वगैरह बेच रहे हैं। तो फिलहाल देख लीजिए, गधे की सवारी हमें करना है और वो गधे के ऑनर बैठ के चल रहे हैं, सॉरी घोड़े के ऑनर। क्या क्या मैं बोल रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा। हाँ तो अभी आंटी के पास आए हैं तो यहाँ पे अपना हेलमेट दे रहे हैं। आने के बाद आपका मोमोज खाएंगे, देखते हैं कैसा। अच्छा कब से हो आप यहाँ? एक महीना। आपका घर कहाँ है? ऐसे 5 नंबर के, 4 नंबर, 4 नंबर, मतलब यहीं आप यहीं से शुरू से ही हो? अच्छा 1 महीना से इनका होगा शॉप खोले हुए। तो आते हैं मोमोज, चाय वगैरह सारा रखते हैं? कॉफी, चलो ठीक है। एक गन्ना चूस। अच्छा गन्ना, ओ भाई इतना मोटा मोटा गन्ना, ओ माय गॉड। देसी गोला है। अच्छा घर का है, तब तो जरूर जरूर खाएगा, अभी नहीं आता है उधर से हम लोग। ओके तो हमारे एक छोटे फैमिली यहाँ पे मिले। क्या नाम हुआ? दिव्या। अभी तो मिलने के लिए बोल रहा था कि जाना है, हम भी अपने भी आए हैं तक। अच्छा सॉरी रुक जा, एक मिनट। अच्छा इन्हीं से बोल रहा था, दो मिनट में हो गया। अब बैठेंगे, फोन करा नहीं बोल रहा, फोटो ले, फोटो ले। धन्यवाद, थैंक यू, अच्छा लगा मिल गया। ओके तो ये है जैसा देख सकते हैं आप, जलजली पर्यटन स्थल मेन पार्ट है। अब पता नहीं यहाँ इन करने के बाद क्या लगता है, घोड़ा है कि गधा? घोड़ा, घोड़ा है पक्का। चलो यहाँ पे देख सकते हैं मिनी कार, यस गजब। एक राइड में कितना किलोमीटर कराते हो? किलोमीटर नहीं सर, इसी ग्राउंड पे करवाते हैं। इस ग्राउंड पे मतलब कहाँ से कहाँ तक, वो तो बता। आखिरी जो पेड़ दिख रहा है ना, हाँ वहाँ तक ऐसा। ओके तो क्या हमें राइड करना चाहिए? लाइट उठ जलता है इसका? लाइट उठ जलता है, वाओ गजब। जैसा देख सकते हो, धीरज तुमको कैसा लग रहा है वो बता। बहुत अजब लग रहा है यार, फर्स्ट टाइम आया। तो अभी तुम वहाँ पे जाएगा और जंप करेगा, ठीक है? देखिए सारे लोग यहाँ पे जंप कर रहे हैं। नहीं नहीं आ जा, देखो यहाँ पे ये, ओ भाई कुछ अंदर मजा आ जा रहा है। कैसा लग रहा है ब्रो? बहुत मस्त। जंपिंग जापान करते रहो, गिली गिली। ओ भाई साहब उधर मत जाना बे, नहीं तो उधर सही में चल जाएगा भाई। गजब मजा आ गया। उधर भी होगा ये? नहीं यहाँ तक आ रही नहीं यार। ओ
ये मतलब गजब ही टाइप का हिल रहा है। देखो जैसे ऐसे जंप कर रहे तो लगता है नीचे से चादर फट जाएगा ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ फील ही नहीं हो रहा है। नीचे सारे लोग झूम रहे, उधर देख सकते हो पैर के नीचे जंप कर, वहां पे अभी मैं नजदीक से दिखाता हूँ कैसा जमीन, ये कांप रहा है, ये साथ में मैं भी हिल रहा हूँ। कैसा लग रहा है तुमको, लग रहा है कि सोफा ऊपर पे कूद रहे हो ना? ऐसा सोफा करता ना उस टाइप पे, जस्ट ये देखिए जंप करता है जैसा वहां देखो भाई, जमीन कैसे हिल रहा है ऐसे ना लगे लग रहा सोफा पे जंप कर, पीटी भी हो सकता है। इतना काट के ले चलो घर पे, सोफा की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये लो, इधर नहीं इधर जाना हो रहा है। बेबी को बेस पसंद है जंपिंग जापान को। थक गए।